झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। चुनावी घोषणा पत्र में अमल करने में जुटा झामुमो, सीएम हेमंत सोरेन ने संभाला मोर्चा। हेमंत सोरेन सरकार के एक साल एक माह पूरे हो जाएंगे। वर्षगांठ के मौके पर 29 दिसंबर को सरकार जहां अपने शासनकाल की उपलब्धियां समेटने में जुटी है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करने के कवायद में लगा है। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम योजनाओं की घोषणा करेंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहेगा। मोर्चा के रणनीतिकार इस पर लगातार काम कर रहे हैं और राज्य सरकार को झुकाव भी प्रेषित किए जा रहे हैं। झामुमो का केंद्र बिंदु संगठन का राजनीतिक आधार होगा, जिसके बूते पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। इसमें चुनाव के दौरान किए गए तमाम वादे भी शुमार हैं। इस दरमियान कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन की सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। खबर है रांची से, सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है रेलवे, मालगाड़ी चालकों को पैसेंजर ट्रेन से दे रहा है ट्रेनिंग। रांची रेल मंडल सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ कर रहा है। मालगाड़ी के चालक को पैसेंजर ट्रेन से रूट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि दोनों ट्रेनों के परिचालन में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे स्पीड देना हो या ब्रेक लगाना हो, चढ़ाई हो या ढुलाई, दोनों के अलग अलग मानक हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में रांची रेल मंडल रेलवे बोर्ड के आदेशों की भी अनदेखी कर रहा है। ट्रेनिंग को लेकर रेलवे बोर्ड का अलग अलग गाइडलाइन है। झारखंड के 54 लाख से अधिक घरों को नल से मिलेगा शुद्ध जल, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में कहा कि झारखंड में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत घर घर नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाएं। राज्य के 54 लाख से अधिक घरों को इस योजना से जोड़ना है, इसके लिए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें ताकि ग्रामीणों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो कई परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसके समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, कार्य की गति को बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु जलापूर्ति योजना के तहत पंचायत टोला स्तर पर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा आधारित बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके रख रखाव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना जरूरी है। झारखंड में 3 चरणों में दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन, जाने क्या है पूरी तैयारी। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। झारखंड में जल्द ही कोरोना वायरस का वैक्सीन आ सकता है। रांची शहर में वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण और अन्य प्रबंधकों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसे दिया जाएगा, इसे लेकर सूची भी तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर बीवी प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में कोल्ड चैन की व्यवस्था ठीक है। अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, टल सकता है झारखंड का दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की, होम आइसोलेशन में भी जाने की बात कही है। नड्डा के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण उनका जनवरी का झारखंड प्रवास का कार्यक्रम टलने के पूरे आसार हैं। प्रवक्ता प्रतुल सहादे ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। नक्सली संगठन TSPC का खोप, औद्योगिक गतिविधियां ठप, TSPC का सदस्य गिरफ्तार हुआ। उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी द्वारा कोयलांचल के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर चिपकाने से कोयलांचल की औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ गई है। कल सोमवार की सुबह जैसे ही लोगों की नजर पोस्टर पर पड़ी, इलाके में दहशत फैल गई है। राज्यपाल से प्रभारी DGP ने की मुलाकात, द्रौपदी मुर्मू ने दुमका गैंगरेप के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। राज्य के प्रभारी DGP MB राव सोमवार को राजभवन पहुंचे, यहां उन्होंने
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में लगातार हो रहे रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में भय मुक्त वातावरण हो ताकि सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दुमका गैंगरेप के सभी आरोपियों को जल्द करे गिरफ्तार। राज्यपाल ने दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी की गई कार्रवाई की जानकारी ली, साथ ही सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। राजभवन सूत्रों के मुताबिक प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल को बताया कि दुमका मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल ने ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब जाने कुछ मौसम विभाग के हाल। आज कुछ बूंदाबांदी पानी का आसार हो सकते हैं। झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। इसमें ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान है। इससे पहले रविवार को भी राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावनाएं की बीच अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। आसमान में दिन भर बादल छाए रहेंगे। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। फिर एक बार पीएम मोदी के कायल हुए कांग्रेस नेता, तारीफ में कही ये बात। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण अनुबंधित है, लेकिन पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण के मामले में हमारी क्षमता वृद्धि लोगों, समाज और सरकार के लिए एक श्रेय है। हमें जवाब देने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एक साथ मिला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बयान 93 PIC वार्षिक सम्मेलन के दौरान कही। राजनाथ सिंह ने दिया ऐसा बयान कि पढ़कर गर्व से चौड़ा हो जाएगा हर भारतीय का सीना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी तब भारतीय सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की बहादुरी से रक्षा कर रहे थे। कोई वायरस हमारे सशस्त्र बल को उनकी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकता है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की की 93वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर गर्व होगा कि इस वर्ष हमारी सेनाएं क्या हासिल कर पाई है। आंदोलन के बीच किसान यूनियन में फूट, फैसले नाराज होकर नेताओं ने दिए इस्तीफे। नोएडा सेक्टर 14A स्थित चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों में दो फाड़ हो गई है। खबरों के अनुसार नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता खोले जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह चरौली, राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चौधरी समेत एक महिला किसान नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम योगी का तगड़ा एक्शन, अब देना होगा सरकारी धन के पाई पाई का हिसाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परियोजनाओं की स्थिति का परीक्षण किया जाए, इसके बाद वह स्वयं भी एक एक प्राधिकरण की समीक्षा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी धान क्रय केंद्रों पर प्रोमोवमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को समय से मिल सके। चाबहार बंदरगाह पहुंचने के लिए भारत को नहीं पड़ेगी पाकिस्तान की जरूरत, जाने क्या है मामला। चाबहार बंदरगाह को लेकर अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच कल अहम वर्चुअल बैठक हुई। ईरान में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह का उज्बेकिस्तान भी इस्तेमाल करना चाहता है। इस मुद्दे पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच कल पहली बार अहम बैठक हुई। ईरान के दक्षिण तट पर स्थित इस बंदरगाह को मध्य एशिया के लिए संपर्क के आधार के रूप में देखा जा रहा है। एक दरोगा का गंदा वीडियो कैमरे पर वर्दी हुई सर्वसार SSP एटा ने तुरंत दिया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में UP पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है।
दरोगा की खुलेआम रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की ओर से एक बार फिर किरकिरी हुई है। हालांकि एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के वाराणसी से नई दिल्ली तक चलेगी बुलेट ट्रेन, अब चंद घंटों में होगा 865 किलोमीटर का सफर। नई दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार प्रयागराज और अयोध्या से होते हुए हाई स्पीड रूट का भी सर्वे होना है। बुलेट ट्रेन इन महत्वपूर्ण स्थलों से भी होकर गुजर सकती है। अयोध्या में बुलेट ट्रेन चलने की खबर के बाद साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। कृषि मंत्री ने पूछा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार, किसान नेता बताए कब करेंगे मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। बैठक निश्चित रूप से होगी। सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार है। आसनसोल को केंद्र से मिले थे 3,500 करोड़, ममता सरकार की राजनीति के कारण अटके, एक और टीएमसी विधायक ने खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में लगातार बगावतों से जूझती तृणमूल कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। अब की आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष और पांडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दीदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निगम मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम को एक पत्र लिखकर उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आवाज उठाई है। कृषि कानून के समर्थन में किसान नेताओं ने की तोमर से मुलाकात, रद्द किए जाने पर दी प्रदर्शन की धमकी। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच कल 14 दिसंबर को किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की स्थिति में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। देश भर के करीब 10 किसान यूनियनों के नेताओं ने 3 नए कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री तोमर को एक समर्थन पत्र सौंपा और उन्होंने सरकार से इन कानूनों को बरकरार रखने की मांग की है। बंद हुआ यूट्यूब, गूगल, पूरी दुनिया भर में सर्विस ठप, रुक गया लोगों का काम। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल नेटवर्क की सभी सेवाएं बंद हो गई थी, जिसकी वजह से सोशल साइट्स जीमेल और यूट्यूब की सेवाएं काम करना बंद कर दी है। दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो एकदम से गूगल नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में डाउन डायरेक्टर के अनुसार गूगल की सर्विसेज ठप होने की वजह से 11:56 में जीएमटी पर हुई थी, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर होता नजर आ रहा है। मोदी सरकार को मिला रहा है किसान का व्यापक समर्थन। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग का किया विरोध। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच टकराव जारी है। एक तरफ जहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, वहीं किसान इसको रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच सरकार के लिए राहत की बात है कि अब किसान भी नए कृषि कानूनों के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं। हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसान के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया है। फिर से मोदी लहर, ओवैसी के गढ़ हैदराबाद के बाद बीजेपी ने असम स्थानीय निकाय चुनाव में परचाया परचम। देश में आज भी मोदी लहर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के चढ़ सिर कर बोल रही है। चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, बीजेपी पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। बीजेपी की एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। अब असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में बीजेपी गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई विकास परियोजनाओं को रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है। पीएमओ द्वारा जारी किए ताजा बयान के मुताबिक इन परियोजनाओं में एक अलवनकीकरण संयंत्र, एक संकर नवीकरण ऊर्जा पार्क और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध
प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अबल खेत जगत से गुलाबी गेंद से खेले मैच में शतक जमाकर आत्मविश्वास बढ़ा, ऋषभ पंत ने बताया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा कि वे गुलाबी गेंद से खेले गए अभ्यास मैच में आक्रामक शतक जमाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट श्रीलंका के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।